गुस्सा आना सबसे बड़ी पहचान है हाइपरटेंशन की। ज्यादा से ज्यादा तनाव हो जाना, छोटी छोटी बातों में घबराहट हो जाना, ये हाइपरटेंशन का सिम्टम है। आप बात करते हैं या आप किसी भी माहौल में है तो आपको अनचाहे तरीके से पसीना आना भी आपके हाइपरटेंशन का एक सिम्टम हो सकता है। ओके, तो चलिए सीखते हैं हाइपरटेंशन से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और कैसे इससे बचा जाए, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ओके, इससे पहले डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, ये जो टॉपिक है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है और हमारे जो भी हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से हम आपको दे पा रहे हैं। तो किसी भी अगर कोई हाइपरटेंशन की बीमारी यहाँ बैठे हैं तो हम किसी बीमारी को ठीक करने का प्रॉमिस आपको नहीं कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि हाइपरटेंशन के रीजंस क्या है या इसकी वैसे क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, वो तरीके भी हम आपको बताएंगे। ओके, हाइपरटेंशन को थोड़ा समझ लेते हैं। हाइपरटेंशन इज नथिंग, इट इज वन इट इज जब ब्लड प्रेशर लो होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन का एक फॉर्म बोला जाता है। Okay? जब भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है तो आप हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन के साथ हो सकता है। दिन भर में आपका ब्लड प्रेशर अलग अलग समय पर अलग अलग रह सकता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर अलग हो सकता है। अगर आप आइडियल बॉडी रहते हैं कि आप ज्यादा मूवमेंट नहीं करते तब आपका ब्लड प्रेशर अलग अलग हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, हाइपरटेंशन का कोई समय नहीं है या हाई बीपी जाने का कोई समय नहीं है। ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपके खान पान के ऊपर सारा डिपेंड करता है कि आपका ब्लड का प्रेशर आपके आर्टरीज में कितने जा रहा है। ओके, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार है। ओके, सबसे पहला स्ट्रोक, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको पिछड़ा में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट फेल्योर का कारण बन सकता है, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन का कारण बन सकता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का कारण बन सकता है, विजन लॉस का कारण बन सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकता है और डिमेंशिया कारण भी बन सकता है अगर आप हाइपरटेंशन के लगातार बीमार हैं। ओके, प्रीमैच्योर डेथ, आज के समय पर बहुत सारे आपने देखा होगा कम उम्र में बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ते जा रहे हैं, उसका एक रीजन हाइपरटेंशन भी है क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक काफी बढ़ गए। राइट, तो समझते हैं ब्रेन स्ट्रोक क्या है। ब्रेन स्ट्रोक इज नथिंग, जो भी नसें हमारे ब्रेन के अंदर, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो मसल्स का बना है, लिक्विफाई मसल्स है। ओके, और इनके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक महीन महीन ब्रेन्स होती है, उनके अंदर किसी भी कारण की वजह से क्लॉटिंग होने की वजह से आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ओके, अगर ब्लॉकेजेस आ रही है इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, जो हमारी पेरिफेरी है तो हम जितनी भी हमारी नसें उनकी परिधि होती है, एक बाहरी परिधि एक अंदर की परिधि, तो अंदर की परिधि डैमेज होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से कई बार कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है और इसका एक कारण हाई बीपी या हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकंड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये आपके दिल की जो धमनियां हैं, जो दिल से बड़ी धमनी छोटी धमनी निकलती हैं, उनके सेहत को लेकर आपको बताया जा रहा है और खास तौर पे यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस बनती हैं, जो प्लेक जमा होता है आपकी नसों के अंदर, उसकी वजह से लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, जहां पर आपको कई बार फील होता है कि आप चलते हैं फिरते हैं उसी में सांस फूलना शुरू होता है, जीना चढ़ते हुए सांस फूलता है, दौड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये इसकी निशानी है। ओके, कई लोगों को बैठे बैठे भी चेस्ट में या हार्ट में पेन हो सकता है, ये इसकी निशानी है। ओके, ये क्यों होता है, क्योंकि आपका हाइपरटेंसिव बॉडी है और आपके जितने भी नैरो पार्ट्स हैं आपके आर्टरीज के वो और भी पतले हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज हार्ट फेल्योर, हमारे हार्ट के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर जो इंटरनल पैरिंग उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और हमारा फ्लो बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचता है, तो उस पर्सन को ऑक्सीजन की कमी फील होती है जिसकी वजह से हार्ट फेल्योर हो सकता है किसी पर्सन को, अगर उनको हाइपरटेंशन लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर आर्टरियल फाइब्रिलेशन, इसकी पहचान क्या है, कभी आपकी हार्ट बीट ज्यादा होगी कभी आपकी हार्ट बीट कम होगी, एक स्टेज में आपके जो वेरिएशन है हार्ट बीट के आपके ईसीजी में अलग अलग आ सकते हैं, जितनी ज्यादा वेरिएशन आएगी इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपको आर्टरियल फाइब्रिलेशन की प्रॉब्लम है और ये एक कारण है, एक कॉज है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंसिव का सिग्नल बॉडी आपको देती है कि आपकी बॉडी हाइपरटेंसिव हो रही है। बहुत सारी छोटी छोटी जो हमारी धमनियां होती है हार्ट के अंदर भी अनगिनत हमारी छोटी छोटी धमनियां या नसें होती है जिनके अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं, उनके अंदर अवरोध आने की वजह से आपका ब्लड फ्लो कम होता है और ऑक्सीजन आप प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, इसका भी एक कारण आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। विजन लॉस, जो लोग लगातार हाइपरटेंसिव बॉडी पर हैं उनके विजन लॉस की संभावनाएं बढ़ जाती है। नॉर्मली देखा गया है बहुत सारे हाई बीपी के पेशेंट्स को चश्मा लग जाता है और उसके बाद भी विजन लगातार डाउन, यानी कि नजर की जो प्रॉब्लम है वो लगातार कम होती जाती है, ऐसा हाइपरटेंसिव बॉडी के साथ में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की पहचान है जिन लोगों को पैरों की नसों में सुन्नपन होता है, चुभन होती है या वहां पेन होने शुरू होते हैं और जो आपकी नसें हैं वेरिकोज वेन का आपने होगा, ये एक पहचान है आपके हाइपरटेंसिव बॉडी होने का। यहाँ पर जो आपका आर्टरी है, जो भी नसें वहां गई है, उन नसों के अंदर भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस, स्मॉल ब्लॉकेजेस होनी शुरू होती है और आपके पैरों के अंदर भी प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं बन पाता और बहुत ज्यादा पेन उस पर्सन को होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वो पर्सन झेल रहा होता है। वन रीजन हाइपरटेंशन। ओके, डिमेंशिया को समझते हैं, डिमेंशिया एक ब्रेन से जुड़ी हुई कंडीशन है,
ओके, जहां पर मेमोरी लॉस होता है, आप चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, या बहुत सारी परसेप्शंस में आप धीरे होते हैं। ओके, रीजनिंग के अंदर आपको कोई भी चीज का कारण ढूंढना है तो उसमें आपको समस्या होती है, आप प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कराते हैं। ओके, आप प्रॉपरली जब कुछ सोचने बैठते हैं तो बहुत सी चीजों को ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, जिसका एक स्टेज आपका डिप्रेशन भी बनता है। ओके, एक चीज को सोचना शुरू किया और शाम तक आप उसी चीज को सोचते रहे, रात को सोते हुए भी आपके दिमाग में वही चलती रही, तो आप उसकी वजह से डिप्रेशन में आते हैं। बहुत से लोग डिसीजन नहीं ले पाते क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। ओके, तो ये एक डिमेंशिया की स्टेज है। अगर आपके सामने सही चीज रखी जाए तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, उस समय पे जजमेंट नहीं कर पाते, लैंग्वेज बोलने में आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, बहुत लोगों को फंबलिंग्स होती हैं, स्पीच में फंबलिंग होती है, ये सारी चीजें डिमेंशिया की पहचान। बहुत से लोगों को अल्जाइमर डिसीज भी हो जाती है जब आप हाइपरटेंसिव बॉडी होते हैं, जिसमें आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल तो भेजता है लेकिन आपकी बॉडी सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करती है। मीन टू से अगर आप सिग्नल भेज भी रहे हैं वो प्रॉपरली सिग्नल आपके यू नो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी लोगों को इस वजह से हो जाती है। और इन सबका बेसिक रीजन क्या है, दैट इज हाइपरटेंसिव बॉडी। अब हाइपरटेंसिव बॉडी से बचने के लिए कुछ हम प्रिवेंशन की बात करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को एक वैल्यू देते हैं, इससे प्यार करते हैं, तो कुछ सुधार आप अपनी लाइफ में जरूर करें, जो हम थोड़ा अभी आगे बात करेंगे। हाइपरटेंसिव बॉडी लंबे समय तक हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। कई लोगों को सडन हाइपरटेंशन होती है, लेकिन सडन हाइपरटेंशन क्यों हुई, क्योंकि लंबे समय से एक हाइपरटेंसिव बॉडी रही है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां वो आउट ऑफ द रेंज चली जाती है और आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, राइट, तो लेट्स नो द सॉल्यूशन। ओके, हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, किडनी किडनी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही है। आपने सुना होगा आज के में कम उम्र के लोगों को भी किडनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, किडनी ट्रांसप्लांट के केस बढ़ रहे हैं, बहुत से डायलिसिस के केस बढ़ रहे हैं, इन सबका रीजन भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, और नॉर्मली जो किडनी हमारे ब्लड को यू नो प्योरीफाई करने का काम करती है, और जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो किडनी क्योंकि सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी होती है, उसके जितने इंटरनल यू नो पार्टिकल्स है, कह सकते हो आप, या कण है या सेल्स, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है। दूसरा, एक्सेस बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब आप ओवर वेट होते हैं तो आपके हार्ट को पंपिंग जरूर से ज्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके जो इंटरनल आर्टरीज का इंटरनल पेरिफेरी है वो डैमेज होना शुरू होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ओके, जो लोग फिजिकली इनएक्टिव है, दिन भर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिव नहीं होते हैं, ओके, और जो अल्कोहल यूजर्स हैं, उनको हाइपरटेंशन क्लासिफाई 1 में हम कर सकते हैं। ओके, और 90 से 95% लोग इसी क्लासिफिकेशन में आते हैं। दूसरा, जो 5 to 10% लोग हैं, ओके, उनका सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे अगर किसी को ऑलरेडी किडनी डिसीज है तो उसको जो क्लासिफिकेशन 2 में रखा गया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हाइपरटेंसिव हो सकती है। आपकी किडनी की जो आर्टरीज है उनके साइज का छोटा हो जाना इसका एक बड़ा यू नो कारण बनता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से बनता है, और जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करती हैं उनको भी इसके साइड इफेक्ट की वजह से यू नो हाइपरटेंसिव बॉडी हो सकती है। ओके, और उसके नुकसान हो, सबसे पहले आप अपने रेगुलर मील के अंदर नमक का सेवन कम करें, राइट, एक पर्सन को नॉर्मली दिन भर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ग्राम नमक तक सेवन करना चाहिए, लेकिन कई बार हम अलग अलग तरीकों से, चाहे वो आपकी सब्जियों में हो, चाहे वो आपके सैलेड पर हो, ओके, या और बहुत सारे आप जैसे बिस्किट्स खाते हैं जो नमक से यू नो बाहर की साइड में नमक लगी होती है, बहुत से नमक के बिस्किट जो होते हैं, बहुत से चिप्स खाते हैं बहुत से लोग, उसमें बाहर से नमक के मिक्सचर्स लगे होते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। जितना अच्छा ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अपना वेट लॉस करिए, लूज योर वेट एज बेस्ट पॉसिबल। ओके, अपने आइडियल वेट को टारगेट करिए, अल्कोहल को अवॉइड करिए, स्मोकिंग को अवॉइड करिए। ओके, स्टार्ट करिए हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है, क्या आप सुबह व्यायाम करें, शाम को थोड़ा व्यायाम करें, और दिन भर में भी आप फिजिकली एक्टिव रहें, बहाने ढूंढें छोटे से छोटे काम को अपने हाथों से करने का। अगर सपोज करो आप मोबाइल पर बात करते हैं तो बैठ कर ना करें, थोड़ा चल सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई सामान बाहर से लाना है तो आप वहां पर रादर देन यूजिंग एनी स्कूटी कार कुछ पैदल चलने की कोशिश करिए, ठीक है, दिन भर में थोड़ा स्टेयर चढ़ने की कोशिश करिए, सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, पार्क में जाइए, थोड़ा सा बाहर टहल के आइए, ये आपका एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बन सकता है। जो लोगों के पास ऑफिस में बैठकर करने के काम ज्यादा है उनको क्या करना चाहिए, हर आधे से पौने घंटे में एक गैप लेना चाहिए और एक छोटा वॉक या कोई भी एक्सरसाइज बैठ के या खड़े होकर आपको उस टाइम पे करनी चाहिए, कुछ भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल फूड और सप्लीमेंट्स को आपको सेवन करना चाहिए। फाइबर आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपकी हाइपरटेंशन को नॉर्मल करने में, क्योंकि फाइबर का जो नेचर है वो आपके हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखता है, आपके डाइजेशन को बेटर करता है। ओमेगा 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि ओमेगा 3 एक लिक्विड फैट है जो आपकी आर्टरीज में जाके जमता नहीं है और ये ब्लड फ्लो के साथ में पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ओट्स ग्लूकन, बहुत से लोग ओट्स का सेवन करते हैं, प्लेन ओट्स खाते हैं, बहुत से लोग आजकल काफी मसालेदार ओट्स खाते हैं, उसका आप सेवन कर सकते हो। ओके, या ओट्स ग्लूकन जो भी ग्लूकन स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं उसको आप सेवन कर सकते हो। विटामिन्स की पूरी रेंज आपको अपनी बॉडी को देनी चाहिए और मिनरल्स का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से मिनरल्स आपको हेल्प करते हैं। ओके, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपके आर्टरीज को
हमेशा सॉफ्टिफाई करने का काम करता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं क्लार्क नहीं जमने देता और उनको सॉफ्ट रखता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है। तो उसके लिए आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड, जो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट कर सकते हैं, उन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। ओके, या फूड में जिस फूड में वो चीजें हैं उसको आपको सेवन करना जरूरी है। एक्सरसाइज की हमने बात करी थी, एक्सरसाइज रेगुलर हमें करनी है, उसका रूटीन बनाइए। ओके, कई बार क्या होता है, मौसम खराब होने की वजह से या मौसम के बदलाव की वजह से अपनी एक्सरसाइजेस को बंद करते हैं। उस समय पे आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, अगर आप पूरी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे कम कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना अपना लाइफ का पार्ट बनाइए। सुबह का आधा घंटा से एक घंटा के बीच में आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, 3 से 4 लीटर पानी का दिन भर में सेवन करें। अभी वैसे भी गर्मियां हैं तो आप इसको 5 से 6 लीटर भी कर सकते हो, लेकिन 3 to 4 लीटर एटलीस्ट आपको दिन भर में पानी पीना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को चाहिए या आप खाने के तौर पे दे रहे हो उनको आपकी बॉडी के अंदर कैरी करने का, सेल टू सेल ले जाने का काम करता है। दूसरा, ये आपके डाइजेशन को बेटर करता है, आपकी हाइड्रेशन को बेटर करता है और बहुत सारे अनगिनत फायदे आपको वाटर पीने से मिलते हैं। प्रॉपर रेस्टिंग बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपने काम को लेके इतने अग्रेसिव होते हैं कि वो रेस्ट करना भूल जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए 6 to 8 आवर्स डेली आपको स्लीप लेना बहुत जरूरी है। समय से सोना है, जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ओके, रात को देर से सोने के बाद सुबह देर से उठने को एक प्रॉपर रेस्टिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑटो रिपेयर फंक्शन रात को सोने के बाद ही चलते हैं, और अगर हम लेट सोएंगे तो उस फंक्शंस को प्रॉपरली होने में आपको बॉडी सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए कई बार जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आपकी नींद 2-3 दिन पूरी ना हो तो 4th दिन आप उठ नहीं पाते, आपको लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं, लगातार कुछ काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो जो 3 दिन का गैप हुआ उसका फंक्शन पूरा नहीं हुआ। ओके, मूड स्विंग होता है आपका, इसलिए आपको प्रॉपर रेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमेशा स्माइल करिए। ओके, राइट, इट इज द बेस्ट पार्ट। स्माइल करने से आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो आपको बॉडी को कूल रहने में मदद करते हैं, आपके दिमाग को शांत रहने में मदद करते हैं। फील हैप्पी, टेक योर कोच सपोर्ट। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं या कोई भी चैलेंज आपकी फैमिली में किसी को है, आप अपने कोच से बात करें, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि छोटे छोटे बदलाव करके कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आपको जो भी डाइट शेड्यूल या डाइट चार्ट आपके कोचेज ने दिया है उसको जैसा दिया है वैसा फॉलो करिए, उसके अंदर बदलाव मत करिए। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं फंक्शंस की वजह से या आपके ट्रैवलिंग की वजह से या कोई भी चैलेंजेस आपके साथ हैं, तो आप अपने कोच की देखरेख में उसको बदलाव करिए। अपने आप से बदलाव करते हैं तो आपको वो चीजें नहीं पता होती जिनका बदलाव करने की हमें जरूरत है। एड न्यूट्रिशन फॉर इम्प्रूवमेंट। न्यूट्रिशन का पार्ट यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आपके जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, सपोज हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी को बहुत सारा न्यूट्रिशन डेली चाहिए होता है जो बॉडी को कूल, काम, वेट लॉस और फंक्शंस को बेटर करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन आपको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है जो आप अपने डाइट में लेते हैं, और ये आपको सपोर्ट करता है आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइज करने में। ओके, प्लान योर मील्स विद लो कैलोरीज। जितना हो सके ऐसे मील का सेवन करना है, जैसे आप फॉर्मूला वन लेते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद जितने भी मील आपके दिन में है उनको भी ध्यान रख के खाना है कि आप कितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं। ओके, तो जितनी भी कैलोरी है आपके पास ऐसा फूड आपको कंज्यूम करना है जो आपको कम कैलोरी में ज्यादा वॉल्यूम दे और आपका पेट भरा रहे और आप दिन भर अपने डाइजेशन को, अपनी भूख को मैनेज कर सके और आपके वेट लॉस में हेल्प दे। रिड्यूस योर फैट्स, आप अपने फैट्स को, जो भी आप ट्रांसफैट खाते हैं, जो तली भुनी चीजें हैं, उनको जितना कम खा सके उतना कम खाइए, क्योंकि वो ट्रांसफैट है आपके हाइपरटेंशन को बढ़ा सकते हैं। अपने प्रोटीन इंटेक को अपने वेट के अनुसार मेंटेन रखिए। ओके, जैसे प्रोटीन आपको बताया जाता है कि पर किलो वेट आपको 1 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट चाहिए होता है। ओके, राउंड फिगर, तो जो आपका वेट है एटलीस्ट उतना प्रोटीन आपको जरूर दिन में अलग अलग सोर्सेज से, कुछ आपके फॉर्मूला वन के थ्रू, कुछ आपके रेगुलर डाइट के थ्रू आपको पूरा करना चाहिए। वो चीजें आपको रोजाना आपके कोचेज सिखाते हैं। बिकम मोर एक्टिव, जितना ज्यादा एक्टिव आप रहेंगे, ध्यान रखिए आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और आप हाइपरटेंशन से दूर रह सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बिकमिंग सो अटेंटिव, एंड आप लोगों ने डेफिनेटली कुछ चीजें अपने लिए नोट करी होंगी, और मैं चाहूंगा कि ये चीजें आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है वहां पर भी किसी को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, या इस तरह की कोई चैलेंजेस चल रहे हो, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनको अपने कोच से बात करा के उनको गाइड कर सकते हैं कि कैसे वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए एकदम तैयार हैं और बहुत खुश है कि हमें अच्छा लगता है आपको हेल्प करके, इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे उतना अपनी सेहत को आप एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, समय चला सेशन क्लोज करने का।